भोली एक आदिवासी इलाके के गांव में रहती है। उसकी माँ 4 साल पहले बीमार होकर मर गई। वो अपनी दादी और बाबूजी के साथ रहती है। बाबूजी कोई काम नहीं करते और दिन भर शराब हुक्का पीते रहते हैं। दादी घरों में बर्तन धोकर कुछ खर्चा कमा लेती है। क्या मांगिया, तुम्हारी बेटी भोली 13 साल की हो गई है। अरे उसके ब्याह का कोई इरादा है कि नहीं? हम अच्छा रुपया दे देंगे और उसको शहर भी ले जाएंगे। पैसा कितना दोगे? 3,000 रुपए। इतना कम? नहीं भाई नहीं, हमको नहीं करनी उसकी शादी। अच्छा 5,000 दे देंगे नगद पैसा। अभी ले लो ब्याना 1,000 रुपए, बाकी ब्याह के समय। माँ, ओ माँ, भोली को एक लड़का मांग रहा है। वो शहर में रहता है और भोली को शहर ले जाएगा ब्याह के। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। भोली की उस आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। वह उसे शहर के एक होटल में ले जाता है। देखा भोली, शहर में कितनी रोशनी होती है, बहुत बढ़िया लगता है। अरे बहुत पैसा मिलता है यहाँ। 2 दिन बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। जी वो तो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। जी हमको पता है, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। उनको किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, आपको साथ ले जाने के लिए कहा है। वह लोग उसे टैक्सी में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या लाए हो? 13 साल की है, बिल्कुल नई है। कितना दोगी? ये तो उतनी सुंदर भी नहीं है, बस 5,000 दूंगी। अरे आंटी इससे ज्यादा तो हमारी खरीद है। चलो फिर 7,500 दे दूं। अरे इसे अपने घर बार का भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो 8 दे देती हूँ। क्या नाम है लड़की? जी भोली। भोली? अरे ये भी कोई नाम हुआ? आज से तू सपना है सपना, समझी? लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? पति? वो कौन है? तुझे तो हमने पैसे देकर खरीदा है। रत्ना, ए रत्ना, सपना को अंदर ले जा और काम समझा दे। भोली आंटी के घर में ही रहती है। दिन रात उसे मर्दों को खुश करना होता है। कोई पीकर आता है, कोई नशा करके, लेकिन उसे उफ करने का भी कोई हक नहीं है। भोली मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। इस गली के नुक्कड़ पर एक औरतों का दफ्तर है, अगर तुम चाहो तो भाग सकती हो। क्या तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहती? नहीं, मेरी एक बेटी है जो आंटी के पास है, उसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। 3 साल पहले कोशिश की थी लेकिन आंटी को पता चल गया और उन्होंने बहुत मारा, लेकिन मैं तुमको निकलने में मदद कर सकती हूँ। भोली उस लड़की की मदद से भाग निकलती है और रात को महिला आश्रय में मदद पाने के लिए दरवाजा खटखटाती है, जहां एक औरत दरवाजा खोलती है। अच्छा अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम भोली है। मेरे बापूजी जिला बस्ती में गोरखपुर के पास एक गांव में रहते हैं। अपने पति या पिता का एड्रेस पता है? जी वो तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के पास हमारी झोपड़ी है। पति का कोई पता नहीं, कहाँ रहता है। आखिर आश्रय वाले भोली के घर को खोज लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी जानकारी मिल जाती है। वह परिवार तक पहुँचते हैं। जी नमस्ते, आपकी बेटी मिल गई है, उसको कुछ लोगों ने बेच दिया था। क्या? लेकिन हमने तो धूमधाम से उसका ब्याह किया था। हम गरीब लोग हैं, हम उसको यहाँ कहाँ रखेंगे? हम गांव में मुंह कैसे दिखाएंगे? सबको तो यही पता है कि उसका ब्याह हुआ था और वो शहर चली गई थी। आपने उसको कितने में बेचा था? हमको उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे, हमने बेचा नहीं था, हम गरीब और मजबूर हैं।
भोली, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वहां तो तुमको लोग जीने नहीं देंगे, दादी मर जाएंगी, फिर कोई और तुमको बेच देगा। तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो ताकि कोई नौकरी कर सको। लेकिन मैं एक बार दादी और बापू को मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे बापूजी और दादी से पूछना है कि क्या मुझे बेचने से उनकी गरीबी खत्म हो गई? क्या भोली को बेचना बाबूजी और दादी की गरीबी का समाधान था? किसी भी कारण किसी देह व्यापार के लिए मानव तस्करी करना ना ही जायज है और ना ही किसी भी गरीबी का समाधान, बल्कि यह एक कानूनी अपराध है। भोली एक आदिवासी इलाके के गांव में रहती है। उसकी माँ 4 साल पहले बीमार होकर मर गई। वो अपनी दादी और बाबूजी के साथ रहती है। बाबूजी कोई काम नहीं करते और दिन भर शराब हुक्का पीते रहते हैं। दादी घरों में बर्तन धोकर कुछ खर्चा कमा लेती है। क्या मांगिया, तुम्हारी बेटी भोली 13 साल की हो गई है? अरे उसके ब्याह का कोई इरादा है कि नहीं? हम अच्छा रुपया दे देंगे और उसको शहर भी ले जाएंगे। पैसा कितना दोगे? 3,000 रुपए। इतना कम? नहीं भाई नहीं, हमको नहीं करनी उसकी शादी। अच्छा 5,000 दे देंगे नगद पैसा। अभी ले लो बयाना 1,000 रुपए, बाकी ब्याह के समय। माँ, ओ माँ, भोली को एक लड़का मांग रहा है। वो शहर में रहता है और भोली को शहर ले जाएगा ब्याह के। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। भोली की उस आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। वह उसे शहर के एक होटल में ले जाता है। देखा भोली, शहर में कितनी रोशनी होती है, बहुत बढ़िया लगता है। अरे बहुत पैसा मिलता है यहाँ। 2 दिन बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। जी वो तो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। जी हमको पता है, उन्होंने ही तो हमें भेजा है। उनको किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, आपको साथ ले जाने के लिए कहा है। वह लोग उसे टैक्सी में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या लाए हो? 13 साल की है, बिल्कुल नई है। कितना दोगी? ये तो उतनी सुंदर भी नहीं है, बस 5,000 दूंगी। अरे आंटी इससे ज्यादा तो हमारी खरीद है। चलो फिर 7,500 दे दूं। अरे इसे अपने घर बार का भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो 8 दे देती हूँ। क्या नाम है लड़की? जी भोली। भोली? अरे ये भी कोई नाम हुआ? आज से तू सपना है सपना, समझी? लेकिन मेरे पति कहाँ हैं? पति? वो कौन है? तुझे तो हमने पैसे देकर खरीदा है। रत्ना, ए रत्ना, सपना को अंदर ले जा और काम समझा दे। भोली आंटी के घर में ही रहती है। दिन रात उसे मर्दों को खुश करना होता है। कोई पीकर आता है, कोई नशा करके, लेकिन उसे उफ करने का भी कोई हक नहीं है। भोली मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। इस गली के नुक्कड़ पर एक औरतों का दफ्तर है, अगर तुम चाहो तो भाग सकती हो। क्या तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहती? नहीं, मेरी एक बेटी है जो आंटी के पास है, उसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? 3 साल पहले कोशिश की थी लेकिन आंटी को पता चल गया और उन्होंने बहुत मारा, लेकिन मैं तुमको निकलने में मदद कर सकती हूँ। भोली उस लड़की की मदद से भाग निकलती है और रात को महिला आश्रय में मदद पाने के लिए दरवाजा खटखटाती है, जहां एक औरत दरवाजा खोलती है। अच्छा अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम भोली है। मेरे बापूजी जिला बस्ती में गोरखपुर के पास एक गांव में रहते हैं। अपने पति या पिता का एड्रेस पता है? जी वो तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के पास हमारी झोपड़ी है। पति का कोई पता नहीं कहाँ रहता है।
आखिर आश्रय वाले भोली के घर को खोज लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी जानकारी मिल जाती है। वह परिवार तक पहुंचते हैं। जी नमस्ते, आपकी बेटी मिल गई है, उसको कुछ लोगों ने बेच दिया था। क्या? लेकिन हमने तो धूमधाम से उसका ब्याह किया था। हम गरीब लोग हैं, हम उसको यहाँ कहाँ रखेंगे? हम गांव में मुंह कैसे दिखाएंगे? सबको तो यही पता है कि उसका ब्याह हुआ था और वो शहर चली गई थी। आपने उसको कितने में बेचा था? हमको उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। हमने बेचा नहीं था, हम गरीब और मजबूर हैं। भोली, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वहां तो तुमको लोग जीने नहीं देंगे, दादी मर जाएंगी, फिर कोई और तुमको बेच देगा। तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो ताकि कोई नौकरी कर सको। लेकिन मैं एक बार दादी और बापू को मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे बापूजी और दादी से पूछना है कि क्या मुझे बेचने से उनकी गरीबी खत्म हो गई? क्या भोली को बेचना बाबूजी और दादी की गरीबी का समाधान था? किसी भी कारण किसी देह व्यापार के लिए मानव तस्करी करना ना ही जायज है और ना ही किसी भी गरीबी का समाधान, बल्कि यह एक कानूनी अपराध है।